नमस्कार भाइयों एवं बहनों, आज हम बनाने जा रहे हैं अंडा करी। अंडा करी में जो सामग्री लगती है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके लिए मैं ली हूँ 5 उबाला हुआ अंडा लिए हैं, 2 तेजपत्ता लिए हैं और 1 बड़ी इलायची लिए हैं, 2 छोटी इलायची लिए हैं, 4 लौंग लिए हैं, थोड़ी सी दालचीनी लिए हैं, 2 कटा हुआ हरी मिर्च लिए हैं, थोड़ी सी खड़ा जीरा लिए हैं, ये सरसों का तेल लिए हैं थोड़ा सा, 2 कटा हुआ प्याज लिए हैं जिसे हम महीन महीन काट लिए हैं, और ये लाल मिर्च पाउडर है, ये हल्दी पाउडर है, ये एक शिमला मिर्च लिए हैं इसको हम छोटा छोटा काट लिए हैं, ये 2 टमाटर है इसको हम मिक्सी में पीस लिए हैं, ये धनिया पाउडर है, और ये लहसुन और अदरक का पेस्ट है, एक काली मिर्च और जीरा का पाउडर है। अब मैं बना रही हूँ बताने की विधि। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ये खड़ा मसाला है इसको हम मुखली में कूट लेंगे, इसलिए कि समूचा डालने से तेल में उड़ता है गरम मसाला, तो हम मुखली में इसको कूट लेते हैं। देखिए सब कुटा गया है। अब हम क्या करेंगे, चूल्हा को ऑन करेंगे और कढ़ाई को चढ़ाएंगे। कढ़ाई 2 मिनट में गर्म हो जाएगा। जब तक हम क्या करेंगे कि जो हमें अंडा लिए हैं, 5 अंडा लिए हैं, इसमें हम थोड़ा थोड़ा छेद कर देंगे, नहीं तो अंडा फ्राई करने से उड़ता है। जैसे कि मसाला इसके अंदर अच्छा से चला जाता है, ग्रेवी भी। कढ़ाई गर्म हो गया है, अब हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे। देखिए तेल गर्म हो गया है, अब हम ये जो हम अंडा लिए हैं, 5 अंडा, इसमें थोड़ा सा हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हल्का सा नमक हम मिला लेते हैं, तब हम इसको फ्राई करेंगे। अब हम इसको तेल में डालेंगे। अब इसे हम चला देंगे थोड़ी थोड़ी सी। देखिए अंडा लाल हो चला है। अब हम इसको इसके तेल से बाहर निकाल लेते हैं। अब हम इसमें जो खड़ा जीरा रखे हुए हैं वो डालेंगे फोरन में। जीरा जब लाल हो रहा है तब हम इसमें जो मसाला कूटे हैं गरम मसाला वो डालेंगे। गरम मसाला लाल हो गया, अब हम तेज पत्ता डालेंगे। तेज पत्ता भी लाल हो गया, अब हम हरी मिर्च डालेंगे। दूर से डालिएगा, मिर्च होता है। अब हम जो प्याज रखे हुए हैं महीन महीन काट कर वो डाल रहे हैं। दो मिनट में प्याज लाल हो जाएगा, तब हम इसमें मसाला डालेंगे। देखिए प्याज लाल हो गया है, अब हम इसमें मसाला डालते हैं। तो हम लाल मिर्चा पाउडर डाल रहे हैं, फिर हल्दी पाउडर डाल रहे हैं थोड़ी सी, फिर हम धनिया पाउडर डाल रहे हैं, फिर हम काली मिर्च और जीरा का पाउडर डाल रहे हैं,
लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं। और नमक डाल रहे हैं स्वादानुसार, जितना आप नमक लेते होंगे आप लोग। और हल्का सा पानी डालेंगे तब हम मसाला को भूनेंगे। मसाला 5 मिनट भुनाएगा। इसी तरह से चलाएंगे हम जब तक कि मसाला से तेल नहीं छोड़ने लगे। देखिए मसाला भुन जा चला है, मसाला से तेल छोड़ रहा है। अब हम इसमें जो टमाटर का पेस्ट रखे हुए हैं वो डालेंगे। इसे भी हम इसी तरह भूनेंगे। और जो कश्मीरी मिर्च जो काट कर रखे हुए हैं वो डालेंगे। इसे भी हम 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। मसाला भुन जा गया है, मसाला से तेल छोड़ रहा है। कश्मीरी मिर्च भी गला है थोड़ा। अब हम इसमें पानी डालते हैं। अब हम फ्लेम को तेज कर देंगे और 2 मिनट हम इसे मसाला को उबालेंगे, जिससे कि ये सब अच्छा तरह से मिल जाए पूरा। शिमला मिर्च और जो प्याज टमाटर सब पड़ा है अच्छी तरह से गल जाए। अब हम इसको ढक देंगे 2 मिनट के लिए। देखिए मसाला अच्छी तरह से मिल गया है पूरा। अब हम इसमें जो अंडा हम फ्राई करके रखे हुए हैं वो डालेंगे। इसे चला देंगे अच्छी तरह से। 2 मिनट हम चूल्हा पर ही इसे छोड़ेंगे। उसके बाद हम इसे नीचे उतारेंगे। देखिए 2 मिनट के लिए हम अंडा को चूल्हा पर ही छोड़े हुए हैं। अब अंडा बनकर तैयार है। अंडा करी मैं 2 तरह से बनाती हूँ। एक मैं कढ़ाई में बनाती हूँ जो मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ, और एक मैं प्रेशर कुकर में बनाती हूँ वो मैं बाद में वीडियो बनाऊँगी। देखिए अंडा करी बहुत मसालेदार अच्छा स्वादिष्ट तैयार है। अब हम चूल्हा के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे चूल्हा पर से नीचे उतारेंगे और अब सर्व करने के लिए तैयार है। देखिए बहुत ही स्वादिष्ट मसालेदार अंडा करी आप सर्व कर सकते हैं। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। आपको जहाँ भी दिक्कत हो, कुछ जानकारी लेना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका जानकारी जरूर आपको देंगे। नमस्कार।